यूपीएससी करंट अफेयर्स प्रोग्राम में आपका स्वागत है। हम चर्चा करेंगे असर रिपोर्ट 2022 के बारे में। असर यानी शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट 2022 हाल ही में जारी की गई है। इस सर्वेक्षण के लिए ग्रामीण भारत में लगभग 17,000 गांवों का सर्वेक्षण किया गया है। राष्ट्रव्यापी असर सर्वेक्षण में 3 से 16 आयु वर्ग के बच्चों के नामांकन की स्थिति का पता चलता है। इसके साथ ही 5 से 16 आयु वर्ग के बच्चों के बुनियादी पढ़ने और अंक गणितीय स्तर की स्थिति का पता चलता है। इस सर्वेक्षण को प्रथम फाउंडेशन द्वारा किया जाता है। इस सर्वेक्षण में लगभग 6.9 लाख बच्चे शामिल किए गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार 16 साल में पहली बार सरकारी स्कूलों में नामांकन में तेजी देखी गई है। हालांकि बच्चों की बुनियादी साक्षरता के स्तर में बड़ी गिरावट देखी गई है। गणित कौशल की तुलना में पढ़ने की क्षमता में अधिक गिरावट देखी गई है। पढ़ने की यह क्षमता में गिरावट 2012 के पूर्व के स्तर पर गिर गई है। पढ़ने की क्षमता में सबसे ज़्यादा गिरावट केरल, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा जैसे राज्यों में देखी गई है। वहीं गणित कौशल में गिरावट तमिलनाडु, मिजोरम और हरियाणा में देखी गई है। असर शिक्षा की स्थिति पर एक राष्ट्रव्यापी नागरिक नेतृत्व वाला घरेलू सर्वेक्षण है। यह ग्रामीण भारत में बच्चों के स्कूली शिक्षा और सीखने की स्थिति को स्पष्ट रूप से उजागर करता है। पहला असर सर्वेक्षण 2005 में आयोजित किया गया था। आपको बता दें कि महामारी के चलते यह रिपोर्ट पहली बार 4 साल के अंतराल के बाद आई है। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी।